हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उपवास के बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे भजिए बनाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम का ये तैयार पैकेट लिया है, लेकिन इसे घर में भी बनाया जा सकता है। एक पाव भगर यानी सामा चावल, एक पाव राजगिरा और एक पाव साबूदाना। भगर को 2 मिनट मध्यम आँच पर सेकना है, राजगिरे को 2 मिनट मध्यम आँच पर सेकना है और साबूदाने को 3 मिनट मध्यम आँच पर सेकना है। इसके साथ 4 चम्मच जीरा, जो हम शक्कर चाय पत्ती में यूज़ करते हैं, वही चम्मच से हमें नाप लेना है। जीरे को भी सेक लेना है। इसके बाद भगर, साबूदाना, राजगिरा और जीरा पीस लेना है और बस ये पाउडर तैयार हो जाता है। ये पाउडर 200 ग्राम है, लगभग 1.5 कटोरी जितना, इसलिए इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके बाद 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। इसका स्वाद भजिए में बहुत ही अच्छा लगता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च हमें डाल देनी है। हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल देना है। यदि हम चाहें तो मिर्च और अदरक को पीस कर डाला जा सकता है। और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देना है। इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हम इसमें कद्दूकस करके आलू भी डालने वाले हैं, इसलिए अभी हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। यदि चाहें तो पहले ही आलू को कद्दूकस करके डाला जा सकता है। अब मैंने 4 आलू लिए हैं मध्यम आकार के। इसका छिलका उतार लेना है और चारों आलू को कद्दूकस करके इसमें मिला लेना है। इसके बाद इसके छोटे छोटे से गोले बना लेने हैं। हाथ पे पानी लगा लेना है और इसके बाद इसके गोले बना लेने हैं। गैस की आँच को तेज रखना है और तेल गर्म हो जाए इसके बाद आँच को धीमी करके सारे गोले इसमें डाल देने हैं। और सारे गोले डाल देने के बाद आँच को मध्यम कर देना है। और जब इनका रंग सुनहरा हो जाए और बिल्कुल हल्के होकर ये ऊपर तैरने लगे, तब इन्हें निकाल लेना चाहिए। 2 से 3 मिनट धीमी आँच पर रखने के बाद आखिरी में मैंने आँच को कुछ देर के लिए तेज कर दिया था। भजिया बनाने के लिए इस तरह उंगली रखनी चाहिए और धीरे धीरे इस तरह हमें भजिए को गिराना है। हाथ को झटकना नहीं है, अंगूठे से केवल धक्का देना है। हाथ को झटकने से तेल का छींटा हाथ पे आ जाता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। केवल अंगूठे से धक्का देना है और इसमें आलू कद्दूकस करके डालने की वजह से ये और भी कुरकुरे बनते हैं। आँच को धीमी रखकर सारे भजिए डाल लेने हैं और जैसे ही कढ़ाई भर जाए आँच को तेज कर देना है और फिर आखिरी तक इस भजियों को तेज आँच पर ही तलना है। तो ये उपवास के भजिए या गोटे 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट बन भी जाते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने हरा धनिया ले लिया है। इसके साथ 3-4 टमाटर ले लेने हैं, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और 1 चम्मच नमक। अब हरा धनिया हमें मिक्सी में डाल देना है। इसके साथ टमाटर भी हमें डाल देने हैं और ये सारे मसाले भी हमें डाल देने हैं। और यदि आप चाहें तो सिकी हुई मूंगफली के कुछ दाने आप डाल सकते हैं। तो उपवास के गोटे और भजिए के साथ तैयार है ये टेस्टी चटनी भी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और भी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।